वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल की संरचना यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका बनावट, और वायुमंडल की संगठन यानी कि वायुमंडल जो है वह क्या चीज का मिश्रण है, उसी में कौन कौन से चीज सम्मिलित हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि मंडल किसे कहते हैं, मंडल होता है क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज का उसका सम्मिलित रूप में होना, किसी भी चीज का संगठन होना, उसे कहेंगे हम मंडल कहेंगे। वायुमंडल होता क्या है, बेसिकली वायुमंडल जो है वह कई गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी ग्रह के चारों ओर एक बहुत मोटी वायु की एक घनी परत है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। बेसिकली वायुमंडल जो है वह बहुत गैसों का मिश्रण है जिसमें से बहुत सारे गैस उसमें पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है जो गोला है, इस पृथ्वी के ये अंदर पृथ्वी है, इसके बाहरी ओर ये गैसों की मोटी परत है, गैसों की मोटी परत है जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल जो है वह गैसों का मिश्रण है, वायुमंडल में बहुत सारे गैस एक सम्मिलित रूप में पाए जाते हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में भी समझेंगे। देखिए, वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस की मात्रा है वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस जिसकी मात्रा वायुमंडल में 78% है यानी कि 78%। नाइट्रोजन गैस का जो खोज किए थे वह 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक किए थे, और वायुमंडल में सेकेंड नंबर पर जो है यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा है 21% यानी कि 21%। ऑक्सीजन जो गैस की जो खोज किए थे वह जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक किए थे 1774 ईस्वी में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस भी पाया जाता है जिसकी मात्रा है 0.03%, और इसमें आर्गन गैस भी पाया जाता है जिसका परसेंट है 0.9%, और इसमें अन्य गैसें भी पाई जाती है जो 0.04% में आते हैं, जैसे कि इसमें और हीलियम गैसें भी आती है। तो आइए इसे अब डिटेल्स में जानकारी लेते हैं कि इसकी संरचना के बारे में यानी कि इसकी बनावट, इसमें कौन कौन से गैस सम्मिलित हैं इसके बारे में तो हमने चर्चा किया, और इसके कुछ परतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके देखिए, पृथ्वी पर जो परतें हैं, वायुमंडल में जो परतें हैं वे 5 परतें पाए जाते हैं जिसमें से क्षोभ मंडल, सपताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बर्ही मंडल, ये 5 मंडल पाए जाते हैं। पांचों मंडल को हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, पृथ्वी की यह सबसे निचली सतह हो गई, सबसे शुरू में यानी कि सबसे पृथ्वी से सबसे निचली परत जो पाई जाती है वायुमंडल में वह होती है 0 से लेकर 13 किलोमीटर के बीच होती है। 13 किलोमीटर में ही यानी कि जैसे समझ लेंगे कि बादल यानी क्लाउड जो होता है, मेघ यानी कि बादल, बादल की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है वह 10 किलोमीटर होती है। बादल 10 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है जो पानी बरसाता है। तो देखिए, मौसमी बदलाव जो भी चेंजेस जो मौसम में आते हैं वो होता है क्षोभ मंडल के कारण, क्षोभ मंडल के ही अंतर्गत होता है जो कि यह 13 किलोमीटर के दायरे में है। पृथ्वी सतह से लेकर यानी पृथ्वी के नीचे से लेकर या ऊपर तक 13 किलोमीटर के बीच में ही क्षोभ मंडल पाया जाता है जिसमें से बादल आता है यानी कि मेघ, कोहरा, धुंध, वर्षा और यानी कि पानी, और ओलावर्षण यानी कि बर्फों का पत्थर के रूप में गिरना, उसे हम ओलावर्षण कहेंगे। तो धुंध यानी कि कोहरा जिसमें कुछ भी व्यक्ति को कुछ भी पेड़ पौधा घर द्वार मकान कुछ भी दिखाई नहीं देता है, धुंध उसे कहते हैं यानी कोहरा। वर्षा भी होती है तो बादल भी चेंजेस जो होते हैं मौसम में वह होते हैं क्षोभ मंडल के ही माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर जो कि हिमालय पर्वत की यह सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो पृथ्वी के सतह से लेकर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर के दायरे में यह पाया जाता है जो वायुमंडल की सबसे यह निचली परत है। सबसे लोअर जो है वह है निचली परत, सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है जिसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर। इसके ऊपर की हम बात कर लेते हैं, जो मंडल है वह समताप मंडल। समताप मंडल जो कि है वह 13 से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे में यह पाया जाता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज को
चलाया जाता है और इसमें ओजोन परत भी पाया जाता है, ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है। ओजोन गैस जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि पराबैंगनी किरण यानी कि सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस निकलता है, जो मनुष्य को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसके त्वचा पर फोड़ा फुंसी ये सब चीज उगा देते हैं, दाद उगा देते हैं, उसको रक्षा करता है। ये हमारा समताप मंडल ही रक्षा करता है, जो कि यह होता है 50 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं वह है मध्य मंडल यानी कि बीच वाला मंडल, वायुमंडल के बीच वाला जो मंडल है वह है मध्य मंडल। मध्य यानी बीच में जो मंडल पाया जाता है उसे मध्य मंडल कहते हैं, जो कि यह 50 किलोमीटर के दायरे से लेकर 80 किलोमीटर के दायरे में यह पाया जाता है। देखिए अंतरिक्ष से यानी कि आसमान से आकाश से जो टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं उल्कापिंड। तो उल्कापिंड जो अंतरिक्ष से टूटते हुए आते हैं, गिरते हैं, वह मध्य मंडल में ही आकर विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं यानी कि जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, वे होते हैं उल्कापिंड, जिसे टूटता हुआ तारा के रूप में हम पृथ्वी पर देखते हैं। तो ये मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं, जो कि मध्यमंडल जो है वह 80 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। देखिए इससे जो नेक्स्ट का जो मंडल है वह ताप मंडल यानी सूर्य से निकलने वाली जो सबसे तेज प्रकाश होती है, काफी गर्म होती है, वह ताप मंडल में ही सबसे तेज प्रभाव से आती है, सबसे तेज प्रभाव से आती है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है वह ताप मंडल, माने सबसे ज्यादा गर्मी देगा, सबसे ज्यादा हीट रहेगा, वही रहता है ताप मंडल, जो कि होता है 80 किलोमीटर के दायरे से लेकर 640 किलोमीटर के दायरे से यह है। इसी में ताप मंडल को एक अन्य नाम है जो कि बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेडियो संचार तरंगे इसी में संचालित की जाती है बाह्य मंडल में यानी कि ताप मंडल में। इसके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अंतिम जो मंडल है पृथ्वी की सबसे, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी जो परत है उसे कहते हैं बरही मंडल। बरही मंडल जो है वह 640 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर के दायरे में आता है। देखिए ये एक ऐसा मंडल है जिसमें वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है और यही यही एक ऐसी मंडल होती है जो सबसे पतली परत भी पाई जाती है। सबसे पतली परत यही होती है, इसमें आसानी से सूर्य के प्रकाश आर पार हो जाते हैं यानी कि पारदर्शी हो जाते हैं। देखिए अंतरिक्ष यानी कि आसमान में यही बरही मंडल ही होता है। बरही मंडल में सबसे हल्के गैस जो पाए जाते हैं वह हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन था। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल की जो परत है वह पृथ्वी के सतह से लेकर 1600 किलोमीटर के दायरे तक यह वायुमंडल की सतह पाई जाती है। वायुमंडल जो है बेसिकली वह गैसों का मिश्रण होता है जिसमें से बहुत सारे गैस होते हैं, जिसमें से देखिए अन्य गैस जो होते हैं 0.04%, जिसमें से हीलियम आ जाएंगे, ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वह होता है नाइट्रोजन, और आर्गन जो होता है वह 0.9% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। अब देखिए वायुमंडल जो है वह सूरज से निकलने वाली प्रकाश के साथ साथ मनुष्य को क्या क्या रक्षा करती है, माने किस तरह से सहायता करती है, इसके बारे में देखिए समझते हैं। पहला तो यह है कि वायु प्रदान करती है वायुमंडल, वायु हमारे सभी व्यक्तियों के लिए, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है उनके सबके लिए जरूरी है, चाहे पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो, उनको यह जीवित रखता है जो कि वायु प्रदान करता है। नेक्स्ट है सूर्य से हानिकारक किरणें जो निकलती है उसे कहते हैं पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो निकलता है बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें ओजोन परत उसको बनाया गया है रोकने के लिए, ओजोन परत जो कि ऑक्सीजन का यह एक अपरूप है, जिसका ओजोन ओजोन का जो सूत्र होता है गैस का वो O3 होता है, O3 ओजोन गैस का सूत्र होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल जो है वह सुरक्षा की एक मोटी चादर है, मोटी परत है, जिस तरह से अगर मुर्गी का बच्चा चूजा जो होता है वह जब बाहर निकलता है अपने उस खोल में से, कवच में से, तो अपने चोंच को मारकर उस चोंच को फोड़ता है, उसी तरह से उसका कवच होता है जो कि संगमरमर का बना होता है, संगमरमर जिसका सूत्र होता है CaCO3 सूत्र होता है, जो कि मुर्गी के चूजे का बच्चा का जो खोल होता है, अंडा का खोल, उसे कहते हैं संगमरमर का वह कवच होता है एक प्रकार का। उसी तरह से पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी पर ये अगल बगल ये मोटी परत है,
मोटी परत है, वायुमंडल के घेरे में है पृथ्वी। तो देखिए एक कवच है, उसी तरह से एक चादर है, एक मोटी कवच है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट देता है, यानी कि मनुष्य को रक्षा करता है खतरनाक किरने से भी, और सुरक्षा इसमें बहुत सारा देता है। देखिए सूर्य की तपती गर्मी से, सूरज की जो इतना हार्ड जो गर्मी आती है, हीट आती है, ताप आती है, उतना उष्मा तेजी से आती है, उससे हमें जलने से बचाता है ये वायुमंडल। और देखिए रात के ठंडे समय से, ठंडे में ठंड से जमने से भी बचाता है मनुष्य को, कि ज्यादा ठंड की वजह से वो जम ना जाए, इससे हमें रक्षा करता है। देखिए पृथ्वी को तापमान को, यानी धरती के जो हीट रहती है गर्मी, उसको अनुकूल बनाने का काम करता है, जिससे शरीर मनुष्य का एक तरह से अनुकूलित हो सके। धरती पर मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु का जो होता है वह लगभग सेम रखना, नियंत्रित करना, नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग करना, वह होता है वायुमंडल के ही द्वारा। वायुमंडल ही इसे कंट्रोलिंग करता है कि मौसम किस तरह से है और उसके अनुकूल या सही है मनुष्य के से, सही है या नहीं है। देखिए वायुमंडल का संगठन के बारे में समझते हैं, वायुमंडल का मिश्रण के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि वायुमंडल जो है वो बेसिकली बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है। मंडल का मतलब होता है किसी भी चीज का एक संगठन, जैसे गैसों का बहुत सारे उसमें गैस खुले हुए मिले हुए हैं आपस में, बहुत सारे गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैस उसमें एक मिश्रण है, सम्मिलित रूप से है, उसे हम कहेंगे वायुमंडल, यानी कि एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, जो कि एक बहुत मोटी परत इसकी पाई जाती है, बहुत ही या ज्यादातर लेयर में ये पाई जाती है, लगभग 0 से लेकर 1600 किलोमीटर के दायरे में है ये वायुमंडल, जो कि हमारे शरीर को यह सुरक्षा भी प्रदान करता है, सूरज से निकलने वाली किरणों को भी रोकता है। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है वह होती है वर्षी मंडल, और सबसे निचली परत जो होती है वह होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल पाए जाते हैं और मौसमी बदलाव भी होता है, कोहरा, धुंध, वर्षा, ओला, यानी कि पत्थर बर्फ का रूप, बर्फ को पत्थर के रूप में गिरना ओला वर्षण होता है। और सबसे पतली परत जो होती है जिसमें आसानी से सूरज के प्रकाश प्रभावित हो जाती है, यानी कि चल जाती है, वह होती है वर्षी मंडल। मध्य मंडल, बीच वाला मंडल जो होता है वह मध्य मंडल कहलाता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज चलाए जाते हैं और ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है, ओजोन परत जो रोकने के लिए, सूरज से हानिकारक जो किरणें निकलती है उसे रोकने के लिए ओजोन परत जो बनाया गया है, जो कि आर्कटिका जो महाद्वीप में उसे तैयार किया गया, रखा गया है वहीं पर सेफ्टी के लिए, जिसे मनुष्य की त्वचा को खराबी ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। ओजोन परत में जो छिद्र हो गया है यह उससे खतरनाक सूरज से निकलने वाले गैसों के कारण ही हुआ है। तो आज वीडियो में हमने जाना कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में संगठन यानी कि उसका मिश्रण क्या क्या है, वायुमंडल में कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है, और वे पृथ्वी को किस तरह से रक्षा करते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को किस तरह से वह राहत पहुंचाते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।